गुड मॉर्निंग मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली। तो कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग सब ठीक होंगे एंड मैं भी ठीक हूँ। आज आप सोच रहे होंगे मैं सुबह सुबह कहाँ जा रही हूँ, सुबह तो नहीं है, 10:30 हो रहे हैं, बट मैं जा रही हूँ आज अपने यहाँ भैया। मेरी प्रेस जो है वो ख़राब हो चुकी है तो मैं जा रही हूँ उसको बनवाने, और इन अंकल का घर ऊपर है। अंकल आप कहाँ जा रहे हो? ये इसको दिखाने लेके जा रही हूँ। हाँ, किसके पास? पास तो अंकल भी जा रहे हैं कहीं। कहाँ जा रहे हैं अंकल आप? बाजार चंपा। क्या लेने जा रहे हैं बाजार? चंबा कली के पास। चंबा कली के पास जा रहे हो? अच्छा हाँ। तो गाइस मैं जा रही हूँ प्रेस को दिखाने की, बन जाती हूँ उनसे तो ठीक, चंबा कली नहीं तो मेरे को भी दिखाना ही पड़ेगा इसको चंबा जाके फिर। बट मैं सोच रही हूँ ये बन जाए तो ठीक है। चंबा कली तो पहले भी खराब हुई थी पर मेरे मामू ने बना दी थी। मामू आने रहे थी, आएगा मामू मेरे आज कल आ नहीं रहे हैं तो चंबा कली दिखाते हैं गाइस इसको वहाँ पे, फिर आते आते मिलती हूँ। खिलार अभी तक The next day. और सुबह के बज रहे हैं अभी 11 और काम वाम करके फ्री हो चुकी हूँ मैं सारा घर का। और आजकल जो है जल्दी धूप आना स्टार्ट हो चुकी है गाइस। 10 भी नहीं बजते तो धूप आ जाती है घर पे। तो आजकल गर्मियों के मौसम हो रहे हैं और पेड़ पूरे हरे भरे हो रहे हैं, चारों तरफ हरियाली हरियाली छा गई अब। तो अभी सुबह के मतलब बज रहे हैं 11 और मैंने घर का सारा काम फिनिश करके बस बर्तन थे धोने के लिए, वो मम्मी बोलते मैं धो लेती हूँ तो अपना काम कर ले। तो अभी मैंने सर में लगाया ऑयल, तो मुझे नहाना भी है बाद में। बट अभी मुझे जो है मेरी प्रेस का पंगा है, नीचे भैया को दिखाई थी कल, तब भी नहीं बनी थी गाइज। तो आज मैं देखती हूँ क्या करूँ, बाजार जाने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा कसम से। ऐसे मतलब जी मतलब बहुत ज़्यादा ऐसे हो लगता है कि टाइम वेस्ट करके धूप में जाऊँ बाहर, मेरे को बाहर जाने की बहुत ही, गर्मियों के टाइम तो अब निकलना ही बाहर बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। तो बट देखते हैं गाइस क्या बनता है क्या नहीं बनता। तो अभी फ़िलहाल बैठते हैं अपनी मशीन में। कल मैंने सारे सूट कट कर लिए, सिर्फ एक मम्मी का सूट बचा मुझे कट करने के लिए, बाकी अपना बाकी का और दो सूट शायद आज भी आएंगे। कॉल आई थी मुझे कल मामी की, तो उनके भी आएंगे दरबार, तो उनके भी आएंगे। तो चलते हैं रूम में अभी, और मम्मी धो रही हैं बर्तन बाहर। तो गाइस तो मिलते हैं गाइस थोड़ी देर के, मुझे जाना पड़ रहा है अपनी प्रेस ठीक करवाने के लिए। अगर देख लूँगी अगर ठीक होगी तो, मेरे सूट वगैरह सब कट करके मैंने रखे हैं बट मुझे जो है मेरी प्रेस नहीं चल रही, तो इसके बिना मेरा सारा काम जो है अधूरा है। तो मैं जा रही हूँ अभी मतलब प्रेस या नई लेके आऊँगी या तो फिर ये बन जाएगी तो ठीक है, नहीं तो मुझे नई लेके आनी पड़ेगी। यार कोई ना कोई टेंशन पड़ ही जाती है दिमाग में, एक चीज़ ठीक होती है तो दूसरी ख़राब। तो इसको जो मैं लेके जाती हूँ फिलहाल, अब देखते हैं इसको बनती है कि क्या होता है, नहीं तो नहीं ले लूँगी, नहीं बनेगी तो नहीं लानी पड़ेगी। तो चलते हैं गाइस मिलते हैं आपको रास्ते में। गाइस अभी जाना पड़ रहा है मुझे धूप में, और आज मैंने स्वेटर भी नहीं डाली है क्योंकि गर्मियों के दिन आ गए आप लोगों को पता ही है, तो धूप बहुत ज़्यादा पड़ेगी और जाना पड़ेगा गाइस। क्या करना, प्रेस प्रेस के बिना मेरा कोई काम ही नहीं है, तो हर जगह प्रेस लगती है सूट सिलना है तो। और चारों तरफ हरियाली हरियाली छा गई अब। तो चलते हैं गाइस, मूड बहुत ऑफ है मेरा आज सुबह से। मैं नीचे पहुंचने वाली हूँ गाइस, अभी मैं पहुंच चुकी हूँ नीचे सड़क में, और अब यहाँ से लूँगी मैं बस कितने टाइम के बाद आती है। नहीं आती अभी मैंने छोड़ी प्रेस ठीक कर कर वेट प्रेस बनते का, प्रेस बन जाएगी तो फिर चले जाऊंगी घर। उन्होंने 1 घंटे का टाइम दिया कि 1 घंटे के लिए रुकना पड़ेगा। अभी मेरी प्रेस हो चुकी है शायद, ठीक लगेगा बना थोड़ा टाइम, वेट कर रहे हैं यहाँ पे। तो प्रेस भैया बोल रहे हैं ठीक हो रही है, हो रही है कि हो रही है मेरी हालत। मेरी प्रेस हो चुकी है ठीक, मेरे भी भैया हो चुकी है ठीक, और मैं जा रही हूँ अब घर। यहाँ से आधे तक हम पैदल ही जा रहे हैं और गर्मी है कितनी ज़्यादा। अभी मैं प्रेस ठीक करवा के आई हूँ मामी के घर, और ये स्कूल से पेपर दे के आई है अभी। कैसा हुआ पेपर? बहुत ही अच्छा हुआ, सिंपल पेपर था। तो हम पीते हैं अभी पानी, फिर बाद में मिलते हैं आपसे। मैं बन चुकी हूँ गोल्टी में, तो अब जाना है मैंने घर, और मेरी प्रेस भी ठीक हो चुकी है, अब थोड़ा अच्छा लग रहा है। और चलते हैं मिलते हैं आपको घर पे,
फ्रूट लेना है, मैंने कुछ फ्रूट ले लेती हूँ तो फिर आपसे मिलती हूँ। गोल्डी तो गाइस धूप में कितनी ज़्यादा धूप है और मुझे धूप में चलना पड़ रहा है और एकदम से गर्मी आ गई गाइस। घर पहुँचना बहुत मुश्किल हो गया है, तो मिलती हूँ गाइस घर पहुँच के। सामान मैंने बहुत ज़्यादा ले लिया, फ्रूट वगैरह भी घर पहुँच ही गई। अब मुझे पीना पानी और रेस्ट करना, और बहुत गर्मी हो गई है पसंद से, एकदम से अभी तक नहीं आती थी। तो मिलते हैं गाइस थोड़ी देर के। हेलो गाइस, अभी मैं घर पहुंच चुकी और कर रही हूँ थोड़ी देर रेस्ट। बहुत धूप है कसम से, बाहर बहुत निकलना है बहुत मुश्किल है। तो गाइस मेरे जो काम थे थोड़े बहुत वो भी करके आ चुकी हूँ। मैंने प्रेस बनानी थी अपनी, तो वो इतने दिन हो गए थे बन नहीं रही थी। नीचे भैया के पास दिखाई थी उनके पास, तो वो बोल रहे थे एलिमेंट पड़ता है कुछ वो था, और पिछली बार ख़राब हुई थी तो मामू ने बना दी थी बहुत टाइम बाद। वैसे पाँच साल हो गई इस प्रेस को, तो आज मैं इसको बनवा के आई हूँ। और बहुत अच्छे भैया थे जहाँ पर बनवाई है मैंने, तो उन्होंने जल्दी बना दी थी। पहले अचानक हमें जाना पड़ रहा है नीचे कोमल के घर, क्योंकि वहाँ पे नानू जो ज़्यादा बीमार हो गए हैं, तो उनको देखने जा रहे हैं कैसी कैसी नहीं है। तो चलते हैं अभी। हेलो गाइस, रात के बज रहे हैं 11 और हम अभी क्या कर रहे हैं बेचारा, देखते हैं कब तक सोना होता है। आज आप सोच रहे होंगे कि कहाँ हूँ, आज मैं अपने नानी के घर पे हूँ। The next day. तो कल मैं ब्लॉग कंटिन्यू नहीं कर पाई थी, क्योंकि हमारे इधर मेरे नानू जी, आपको पता ही है, जो मेरी नानी आते थे यहाँ पे मेरी मम्मी के मासी, तो नानू की डेथ हो गई है कल पिछले रात को। तो हम वहाँ देखने गए थे, तो देख उतनी देर में ही उनकी डेथ हो गई थी। तो रात को हम वहीं थे, तो सुबह आए घर पर। तो अभी मम्मी फिर से चले गए हैं वहीं पे, तो मैं घर पे अकेली हूँ। और मिलते हैं गाइस थोड़ी देर के बाद। आज कुछ व्लॉग करने का मन नहीं कर रहा है, बट मुझे जो है व्लॉगिंग करनी है आप लोगों के लिए। व्लॉग भी नहीं डाल पाई हूँ, सॉरी इसके लिए। और अभी मुझे लोगों के कपड़े भी स्टिच करके देने, वो भी करने हैं। तो गाइस अभी सुबह के बज रहे हैं 9:30 और मैं आ गई थी 6:30 बजे घर। तो मिलते हैं थोड़ी देर के बाद। जा रहे हैं, बट मैं नहीं चाहूँगी मैं घर पे। मम्मी बोलते हैं अकेले क्यों बैठना है, तो मैं शिवानी के घर पे रुकूँगी। वो भी कॉल कर रही बार बार कि आ जाए यहाँ पे, तो मैं यहाँ वहाँ पे रुकूँगी। तो अभी चलते हैं वहाँ पर पहुँच के। फिर बहुत ही गंदा सा मूड गाइस अभी पहुँचे। मैं तो वहाँ पे गई नहीं थी, बट भैया गए थे, वो नहा रहे हैं। और मम्मी गाइस मम्मी गए थे और मैंने बनाई अभी कढ़ी, क्योंकि खाना भी खाना, कल रात से खाना नहीं खाया किसी ने भी। तो कढ़ी बना रही हूँ मैं, कढ़ी मैंने बना दी, आटा गूंद दिया, फुलके लगाने मुझे अब, तो बनाती। हेलो गाइस, गुड इवनिंग। अभी टाइम हो रहा है 7 बजने वाले हैं और मैं अपनी मशीन पे बैठ चुकी हूँ गाइस बहुत टाइम के बाद, क्योंकि आप पीछे बैग देख ही रहे होंगे। तो कपड़े मेरे पास फिर से इकट्ठा हो गए हैं गाइस, तो मुझे ये सिलने भी हैं। तो गाइस आप लोगों को पता ही है, जो मेरी नानी यहाँ पर आते थे, तो जो नानू थे, शायद आपने उनको ब्लॉग में भी देखा होगा एक दो बार, तो बहुत ही गलत हुआ उनके साथ। तो मतलब उनकी कल डेथ हो गई है। तो हम वहीं थे कल सुबह आए घर, तो सुबह आए थे तो खाना हमने, सुबह खाना नहीं था, मम्मी मना कर रहे थे कि अभी जो है खाना नहीं बनेगा। तो खाना बनाया था हमने 1 बजे, भाई भैया वगैरह सारे नहाए, उसके बाद खाना बनाया मैंने। तो खाना बनाते ना नींद आई कल रात से, हम सोए भी नहीं है। तो अभी मेरे पास बहुत, कल मुझे सूट देना, तो मुझे काम करना ही पड़ेगा गाइस। तो बहुत ही बुरा हुआ, पर मैं इस बारे में कुछ भी बोलना नहीं चाहूँगी। तो अभी मैं कर रही हूँ अपना काम, ये मैंने गला जॉइंट कर लिया है, गला मैंने इसका जॉइंट कर लिया, ये मम्मी का है, तो ये कब से पड़ा हुआ था, मैंने कहा इसको निकालती, फिर उसके बाद मेरी भाभी वगैरह का है। और भी बैग कट करने वाले अभी कपड़े, तो आँखें मेरी खिचड़ी पर, अभी नींद भी नहीं आ रही मेरे को ना, तो मैंने कहा बड़े नहीं 9 बजे तक लग लेते हैं, उसके बाद सो जाएंगे। तो गाइस करती हूँ मैं काम।